हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेट ग्लो विद पोम्पा में मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल पे। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक फेशियल वीडियो की रिव्यू लेके और उसके साथ साथ पूरी ट्यूटोरियल लेके। लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि एंड की जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो ये है लोटस की पार्टी ग्लो फेशियल किट जिसमें चार ट्यूब आते हैं और ये एक है जो फेस पीलिंग मास्क है। तो इसका MRP 375 है और इस पैकेट की बैक साइड में पूरी प्रोसेस लिखा है कि आपको कैसे कैसे करना है। तो चलिए फेशियल को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप लोग देख लीजिए ये मॉडल की फेस है जिनके ऊपर मैं आज ये फेशियल करने जा रही हूँ। इनके फेस आप लोग पहले भी देख चुके हैं, मेरे बहुत सारे फेशियल वीडियो में इनकी फेस है क्योंकि इनको मैं चूज करती हूँ इसलिए क्योंकि जितना टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में वो ये दे सकती है, तो इसीलिए इनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा टाइम मैं वीडियो को शूट करती हूँ। तो चलिए पहले फेस को क्लीन कर लेते हैं एक वेट टिश्यू के मदद से। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 1 जिसमें है क्लेंजिंग। ये क्लेंजर आती है जेल फॉर्म में और इसको बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई करनी है। उसके बाद 2 से 3 मिनट जेंटली मसाज करनी है और उसके बाद वाइप आउट कर देना है। जो लोग मेरे चैनल में पहले से ही जुड़े हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मसाज हम लोगों ने कर लिया है। अब बारी आती है सेकेंड स्टेप में जो है एक स्क्रब जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जो हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करेगा। तो हमने यहाँ से स्क्रब ले लिया है, अब पूरे फेस में हम लोग इसको बहुत अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लेके इसको सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट तक मसाज करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग स्क्रबिंग करेंगे फेस के ऊपर या आप लोग नॉर्मली स्क्रब जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग नहीं देंगे क्योंकि स्क्रब में होती है थोड़ी ग्रैनुल्स और जो हमारे स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं, इसलिए हल्के हाथों से जेंटली 3 से 4 मिनट का हम लोग यहाँ पे मसाज करेंगे। इससे हमारे डेड सेल की जो लेयर है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी और हमारे जो स्किन की जो स्मूथ जो लेयर है वो बाहर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट की मसाज कर चुकी हूँ, अब इसको वाइप आउट कर देंगे, बहुत अच्छे से ग्रैनुल्स जो है उसको हटा देंगे। स्क्रबिंग के बाद हम लोग करते हैं मसाज और उस टाइम अगर ग्रैनुल्स आपके हाथों में लगे तब आपको भी मसाज करने में प्रॉब्लम होगी और उसके साथ साथ जिनके ऊपर आप मसाज कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो है एक सीरम। इस सीरम को हमें 5 to 7 ड्रॉप्स लेनी है और इसको बहुत हल्के हाथों से मसाज करके इसको पेनिट्रेट करवाना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको मसाज करेंगे और ये पेनिट्रेट हो जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में जो है फेशियल मसाज। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज करके बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करवा देंगे। अभी तक हमारा फेशियल ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन उसके बाद आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो फेशियल किट है इसको आप लोगों का जो रिव्यू है वो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है फेशियल मसाज क्रीम। मसाज क्रीम को हम लोग बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद जनरल स्ट्रोक के साथ हम लोग मसाज को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से जनरल स्ट्रोक देंगे और उसके बाद हम लोग अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग फेस के ऊपर प्रेशर पॉइंट भी देंगे। तो ये जो फेशियल किट है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, यहाँ पे कोई स्किन टाइप अलग से लिखा नहीं गया है, मतलब आप लोग ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन या ड्राई स्किन सबके ऊपर कर सकते हैं लेकिन मेरी जो ओपिनियन है वो आप लोग वीडियो के एंड में सुन पाएंगे। तो यहाँ पे अराउंड माउथ एरिया पे हम लोग मसाज कर रहे हैं और नोज के दोनों साइड पे मसाज करते हुए फोरहेड के तरफ जाके आईब्रोज के एंड के तरफ जाके प्रेशर पॉइंट को हमने एंड किया है। माउथ एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम क्या होते कि ब्लैक हो जाती है, नोज एरिया जो है वहाँ पे भी ब्लैक हो जाते, इसलिए वो मसाज देना बहुत ज़रूरी है। गालों के ऊपर हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक में ऐसे मसाज करेंगे, दोनों साइड में करते हुए हम लोग आईब्रोज के जो एंड है वहाँ पे जाके प्रेशर पॉइंट को हम लोग क्लोज करेंगे।
और यहाँ पे मैं चार उंगली के मदद से ऐसे कालों के ऊपर मसाज दे रही हूँ और अपवर्ड मोशन में उसको ऊपर तक लेके जा रही हूँ। इससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फर्म होंगे और हमारे स्किन की जो सैगिंग की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएंगे। और हमने यहाँ पे प्रेशर पॉइंट को एंड किया है ईयर्स के पीछे, जो आप लोग देख पा रहे हैं। एक उंगली मेरा यहाँ पे था आईब्रोज के नीचे और एक था हमारे ईयर्स के पीछे। आईब्रोज के नीचे मतलब आईब्रोज की जो लेंथ होती है उसके नीचे होती है हमारी एक प्रेशर पॉइंट। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोग इसको सीख भी पाएंगे कि कैसे फेशियल मसाज हम लोग करते हैं। लेफ्ट हैंड से फेस को होल्ड करके और राइट हैंड से दोनों उंगली से हम लोग नोज के साइड से प्रेशर पॉइंट देके हम लोग फोरहेड के ऊपर तक आएंगे। ऐसे ही हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे। जब भी हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे उसके बाद हम लोग जनरल स्ट्रोक भी देंगे, और जब हम जनरल स्ट्रोक देंगे तब हम लोग तीन बार देंगे। कोई भी स्टेप जब हम लोग फेशियल में करते हैं तो हम लोग तीन बार करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक फेशियल करने में 50 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है, उससे ज़्यादा भी कभी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को वीडियो छोटे में करना है इसलिए हम लोग पूरा फेशियल प्रोसीड्योर जो है वो हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे तीनों उंगली के मदद से हम लोग फेस को अपलिफ्ट करने के लिए ये मसाज दे रहे हैं। बहुत हल्के हाथों से अपने तीन उंगली के मदद से हम लोग इसे मसाज करेंगे। ये सारे मसाज स्ट्रोक से हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे मात्रा से होंगे, और जब हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो हमारे स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं, हमारे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। फोरहेड में हम लोग ऐसे मसाज करेंगे अपने फिंगर्स के साथ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत रिलैक्सिंग है ये मसाज, और हमारे जो आईब्रोज के एंड है वहाँ पे जाके हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग तीन बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे प्रेशर पॉइंट को एक्चुअल दे रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। दोनों आईब्रोज के बीच में ऐसे मसाज करनी है जैसे मैंने पहले किया है, और यहाँ पे देखिए हम लोग फेस में अगेन अपलिफ्टिंग मसाज कर रहे हैं ताकि हमारे स्किन लिफ्ट हो जाए, हमारे स्किन में सैगिंग ना हो, हमारे स्किन में प्री मैच्योर एजिंग ना हो जाए, हमारे स्किन में अगर रिंकल्स है वो भी कम हो जाए। तो यहाँ पे देंगे हम लोग प्रेशर पॉइंट, ये है नंबर 1, ये है 2, देन 3, 4, ये है 5, यहाँ पे है 6, ये है 7, ये है 8 एंड ये है 9, और कानों के पीछे है 10। ये हम लोग 10 प्रेशर पॉइंट ज़रूर देंगे एक फेशियल के दौरान, और हम लोग जनरल स्ट्रोक के साथ इस फेशियल को हम लोग एंड करेंगे। और नेक एरिया में ऐसे हम लोग अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे ताकि हमारे नेक पोर्शन भी सैगिंग ना हो जाए, और जॉ लाइन से भी हम लोग ऐसे मसाज करते हुए ईयर्स के पीछे देंगे। और देखिए आइस के नीचे भी ऐसे मसाज देने से जो हमारे आइस के पफिनेस होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग मसाज देंगे, हम लोग मसाज को एन करेंगे जनरल स्ट्रोक के साथ जैसे मैंने कहा है। और मैंने जितना मसाज क्रीम लिया था वो बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर पेनिट्रेट हो चुका है। मसाज के बाद हमने स्किन से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी क्लीन कर दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक वो क्लिपिंग मिसिंग है, मैंने वीडियो को ऑन नहीं किया था, उस टाइम पॉज था मेरा वीडियो। तो अब चलते हैं फेस पैक को रेडी कर लेते हैं, और मैंने कहा है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये फेस पैक पाउडर फॉर्म में है, इसको पानी के साथ मिक्स करनी है 40-45 ml पानी के साथ। तो हमने जब इसको पाउच को देखा था तो एक जगह पे वो पाउडर जमा हुआ था, तो बहुत अच्छे से पैकेट में वो हिल नहीं रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने इस पैकेट को हमने खोला है और उसके साथ हमने रोज़ वाटर को मिक्स किया है। ये एक पीलिंग मास्क है, तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत पतला ना हो जाए और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, तो जैसा होना चाहिए वैसे ही हम लोगों ने इस पैक को रेडी किया है। और उसके बाद जब हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि बहुत अच्छे से ये फेस के ऊपर बैठ नहीं रहा था, मतलब ये जो रबर मास्क या पीलिंग मास्क होते हैं वो बहुत अच्छे से इवनली बैठ जाता है, लेकिन ये मास्क बहुत अच्छे से नहीं बैठ रहा था।
बहुत सालों से मैं रबर मास्क या पीलिंग मास्क को अप्लाई कर रही हूँ मेरे सैलून में, तो कभी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई थी कि रबर मास्क को ऐसे इवेंटली नहीं अप्लाई हो रही थी और रबर मास्क अप्लाई करने के साथ साथ स्किन के ऊपर बहुत स्मूथली बैठ जाता है, लेकिन ये स्मूथ इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन फेस पैक को हमें पील करके रिमूव करना है, इसलिए उंगली के मदद से बहुत अच्छे से प्लेन करके हमने फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया था और 15 टू 20 मिनट्स के बाद हमें इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ये रिमूव नहीं हो रही थी, नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका था, वो पील नहीं हो रहा था जैसे रबर मास्क या पीलिंग मास्क जैसे आ जाते हैं, बहुत ही स्मूथली स्किन से बाहर आ जाती है और बहुत अच्छे से ये रिमूव होते हैं, लेकिन ये फेस पैक नहीं हुआ था। बहुत प्रॉब्लम से हमने इसको पीलिंग किया है और उसके बाद हमने ऐसे तोड़ तोड़ के फेस से निकाला है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पैक को कभी भी मत लीजिएगा। ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सेफ नहीं है स्किन के लिए और ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। तो एनीवे हमने पैक को तो जैसे तैसे करके रिमूव कर लिया है और उसके बाद स्किन में जो प्रॉब्लम आई है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अभी आप लोग देख पाएंगे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैश आ गई थी, स्किन में बहुत ज़्यादा जलन हुई थी, तो फेस पैक को रिमूव करने के बाद बहुत अच्छे से फेस को हमने क्लीन कर दिया था और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा है स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई है और जिनके ऊपर हम ये फेशियल कर रहे थे वो भी बता रहे थे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जल रही है, जलन हो रही है। तो बहुत क्लोज से मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि कैसे स्किन के ऊपर रेडनेस आ गई थी। तो अब बताती हूँ कि फेशियल की रिज़ल्ट कैसा था, मतलब स्किन में ग्लो आई थी या नहीं आई थी। यहाँ पे लिखा है पार्टी ग्लो फेशियल किट, लेकिन ग्लो बिल्कुल भी नहीं आया था, स्किन के ऊपर स्किन डल ही था। और यहाँ पे देखिए स्किन में कैसे रैश आ गए हैं, कैमरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, नहीं तो और भी अच्छे से मैं दिखाती आप लोगों को। तो यहाँ पे शायद आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्लोज से दिखा रही हूँ, ये स्किन ना बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गई थी और ऐसे दाने दाने निकल आए थे। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ इस फेशियल किट को कोई भी यूज़ ना करे। मेरी कोई भी वीडियो स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, इसलिए मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ और इस फेशियल किट के लिए भी ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।